शादी के बाहर संबंध क्यों होता है, विवाह बाह्य संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, उसके बारे में बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति, पति या पत्नी, शादी के बाहर किसी के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप रखता है तो उसे विवाह बाह्य संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, रिलेशनशिप्स ऐसा कहते हैं। ये एक्चुअली अवैध है, कानूनी गैर है और मॉरली भी ठीक नहीं है। हमको ये समझना होगा कि शादी क्यों करते हैं व्यक्ति। शादी इसलिए करते हैं कि शादी पार्टनरशिप चाहिए, कोई पार्टनर होना जीवन जीना है। तो जैसा एक जन कोई कमा के ला रहा है तो घर में कोई व्यक्ति खाना पका रहा है, घर की देखभाल कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, अपना वंश बढ़ा रहा है, फिर सुख दुखों में साथ में होना चाहिए कोई व्यक्ति, इसलिए लोग शादी करते हैं। वंश बढ़ाने के लिए लोग शादी करते हैं। सेक्स, शारीरिक सुख वो भी मिलना चाहिए, उसके लिए भी लोग शादी करते हैं। और शादी के बाद में एक्चुअली लीगली मॉरली एक स्त्री और पुरुष को एक रूम में, एक बेडरूम में सोने की इजाजत दी जाती है। उसके पहले सब चुप चुप के होते रहता है। तो शारीरिक जो भूख है वो पूरी करना, वो भी उसके पीछे कारण है। शुरू में एक साल में बहुत ही फील गुड रहता है, मीठी मीठी बातें करना, गुलाबी गुलाबी रंग, बहुत मज़े की बातें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, ऐसा एक साल निकल जाता है। और ये साल निकलते निकलते ही फिर लोग पूछने लगते हैं, कुछ गुड न्यूज़ है क्या, कुछ गुड न्यूज़ है क्या, और गुड न्यूज़ मतलब प्रेगनेंसी हो रही क्या। अब प्रेगनेंसी हो गई, प्रेग्नेंट हो गई तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, नहीं हुई तो फिर उसकी चिंता है, उसका प्रेशर आते रहता है कि क्यों हुई, क्या हुई, क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए लोग चालू करते तपासना। और प्रेगनेंसी हो गई तो वो गुड न्यूज़ लोगों को देते हैं, मगर वो गुड न्यूज़ एक्चुअली बैड न्यूज़ का प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। अभी हो रहा क्या है कि प्रेगनेंसी हो गई तो पहले 3 महीने सेक्स मत करो, आखिरी के 3 महीने सेक्स मत करो, डॉक्टर बोलते हैं। फिर 3 महीने 3 महीने ये हो गए, बीच के 3 महीने सेक्स करो, उसमें भी कोई बीमारी है, उल्टियाँ हो रही है, थकान है, कमर दर्द कर रहा है, मतलब उसमें भी सेक्स नहीं है। तो अभी ये गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ का प्लेटफॉर्म इसलिए तैयार होता है कि ये 9 महीने में सेक्स कितने बार होगा ये मालूम नहीं। अब क्या होता है कि बहुत बार में ऐसा रिवाज है कि जो पहली डिलीवरी है वो मायके होना चाहिए। अभी वो मायके जब जाती है तो ये आखिरी के 2-3 महीने की मायके चली गई तो वहाँ गुड न्यूज़, वहाँ डिलीवरी, वहाँ 2-3 महीने और। तो इसमें होता क्या है कि आदमी जो है वो डिप्राइव रहता है सेक्स से। क्या होता है कि स्त्री तो बिजी रहती है, स्त्री को अंकुर फूटता है, वो एक अपना एक्सटेंशन पैदा करती है, उसका एक एक्सटेंशन, उसकी बॉडी एक्सटेंड हो रही है, उसकी बॉडी एक नए जन्म को मतलब एक जीवित तैयार कर रही, एक जीव तैयार कर रही है, उसमें बहुत खुश है, उसके लेबर पेन से, उसके जो 9 महीने के पेन से वो सहन कर रही है, वो उसमें मतलब एंजॉय भी कर रही है, तकलीफ भी जो भी कर रही है वो, मगर उसको उस समय सेक्स की याद भी शायद आती होंगी नहीं होंगी, मगर आदमी डिप्राइव होता है। और उस समय फिर कोई तीसरी व्यक्ति उसके लाइफ में आ सकती है, वो हो सकती है कि ऑफिस की सेक्रेटरी है, या फिर साली है, या फिर और कोई व्यक्ति है, या फिर एक्स गर्लफ्रेंड है। हो सकता है कि एक्स गर्लफ्रेंड है और वो फिर उसमें शादी होने की बाकी है तो फिर वो इस समय वापस आती है, या फिर लड़की के लिए भी जब वो मायके जाती है पियर अपने डिलीवरी के लिए बोलो, या तबीयत ठीक नहीं उस, तो उसका भी बॉयफ्रेंड के साथ में संबंध आ सकता है उधर, और उधर भी एक तीसरा व्यक्ति ये दोनों के इसमें आ जाता है, पति पत्नी और वो। अब क्या होता है कि शादी ऐसी हो गई है कि जहाँ पसंद नहीं है, जबरन शादी करनी पड़ी है, पहले एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड अभी है, उसके साथ में कांटेक्ट चालू है, तो इसमें फिर विवाह बाह्य संबंध होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ही शकील इंसान रहते हैं और कुछ नहीं होने के बावजूद भी शक करना चालू कर देते हैं, कहीं फ़ोन आ गया, किसका फ़ोन सामने लिया नहीं, किसके व्हाट्सएप आ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, फिर होता क्या है कि कुछ है नहीं और समझो कोई पति या पत्नी शक कर रहा है या कर रही है तो बोलता है नहीं तो वो तो शक ही कर रही है, तो चलो किया तो क्या फर्क पड़ता है, और फिर वो चालू कर देता है नहीं होगा तभी भी। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि भाई नहीं है, मगर शक करने से भी वो उसको एक इग्निशन मिल जाता है और वो चालू हो जाता है। अभी ये मालूम हो गया तो क्या, समझो ये मालूम हो गया, भंडा फोड़ हो गया तो क्या। अभी एक तो क्या है कि 2-3 बातें अलग अलग हो सकती है, एक तो मालूम हो गया और पति ने पत्नी को, पत्नी ने पति को आमने सामने इसमें कर लिया, आपको एक दूसरे को तो माफ़ी मांग लो जो भी हुआ उसके लिए, और
इसके बाद में होऊंगा नहीं, ऐसा प्रॉमिस करो ये बंद कर डालो, ये हो सकता है। इसमें यदि बहुत एक दूसरे को दोषी ठहराया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो आज ही हमारे पास में एक पेशेंट आए थे, उन्होंने ये बताया कि ये आदमी को मालूम पड़ा कि उसकी जो पत्नी है उसका अफेयर है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड है उसके साथ में, चालू है शादी के बाद में भी, और दो बच्चे हैं, दो बच्चे होने तक भी उसका चालू ही था, उसको मालूम नहीं पड़ा। एक दिन ये भंडा फूट गया, उसने उसको कन्फ्रंट कर दिया, वो मायके में थी, उसके पिताजी के उधर चली गई थी कोई बहाने से, क्योंकि बॉयफ्रेंड वहाँ रहता था, वो बार बार उधर जाती थी, तो तब उसमें कोई शंका आ गई, शक आ गया और उसमें भंडा फूट गया। तो उसने उसको फ़ोन पे ही बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, मुझे मालूम पड़ा कि तुम्हारा ऐसा है, वो फलाना फलाना व्यक्ति है। वो इतनी वहाँ डिस्टर्ब हो गई कि उसने वहीं रात को फांसी लगा लिया उसके पिताजी के तरफ ही। मतलब एक तो ऐसा हो जाता है, एक तो माफ़ी मांगो, ये प्रकरण ये ख़त्म हो गया, एक्सेप्ट कर लो और ये बंद कर डालो, नंबर एक। हो सकता है कि ये सब भंडा फूटने के बाद में भी वो दोनों व्यक्ति, मतलब पति या पत्नी, वो चालू रख सकते हैं और बोलते कि नहीं हमारे से होता नहीं है। अब चॉइस पार्टनर की तरफ है कि अभी ये जो बच्चे हुए हैं, अभी बच्चों को छोड़ के अभी वो बीच बीच में जाती है, कुछ कांटेक्ट रखती है, तो चलने देना कि नहीं चलने देना। अभी मेरे तो इतने साल का एक्सपीरियंस है, कुछ लोग बोलते कि ठीक है भैया अभी जो चल रहा हो चलने दो, क्योंकि बच्चों का सवाल है, ये निकल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसको इलाज करने के लिए लाते हैं, पटाते कि भाई ये बहुत उसका सेक्स ज़्यादा है, कम करो, ऐसा वैसा, मतलब एक कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला लोग लाते हैं, तो एक वो एक तरीका है। तीसरा तरीका है कि सेपरेट हो जाओ, डिवोर्स ले लो, वो एक तरीका है कि भाई नहीं जमता है, चलेगा नहीं, अलाउ नहीं करेंगे, और ये एक बार मालूम हो गया तो भाई डिवोर्स लेना है। तो ये तरीके आजमा सकते हैं लोग। बहुत बार हमारी तरफ लेडीज आती है, वो बोलती कि नहीं हमारे पति का बाहर संबंध है और वो उसको छोड़ना भी नहीं चाहती, बच्चे भी है, अब क्या करें। तब इसमें होता क्या है कि हम मर्दम बोलते कि भाई अभी आप रेजिस्ट मत करो, क्योंकि जो भी आप रेजिस्ट करेंगे वो परसिस्ट होगा। यदि आप उसको बोलेंगे नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना है, बहुत बवाल कर देंगे, बहुत धूमधाम, बहुत झगड़ा कर देंगे, तो होगा नहीं। मैं बोलता आप अलग क्यों नहीं होती, नहीं बोले अलग कैसे हो जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, कमाती नहीं है, जाएंगे तो मायके, मतलब पियर भी कोई रखने वाला है नहीं, बच्चों को लेके जाएंगे कहाँ, तो फिर ठीक है जो जैसा है ऐसे चलने दो। तो फिर उसमें क्या होता है कि उसमें बवाल बहुत हो जाता है, फिर वो उसको बोलते कि ठीक है अभी इसको ही सुधारेंगे। तो इसमें सुधारने में करना क्या पड़ेगा, करना ही पड़ेगा कि भाई ज़्यादा बवाल करने का नहीं, रेजिस्ट करने का नहीं, जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, कृतज्ञता व्यक्त करो कि अभी तक इतने साल वो था, अभी अपना नहीं रहा, अभी और किसी का है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अपने को कंटिन्यू करना कि नहीं करना उसके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप, अपनी ज़रूरतें उससे जो जब भी पूरी करता है, जब भी वो डिमांड करता है तो पूरी करना कि नहीं करना, उसके साथ रहना कि नहीं रहना, ये चॉइस अपना है। धीरे 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 हो सकता है कि उसको भी समझ आ जाएंगी बात, उम्र भी बढ़ जाती है और धीरे धीरे अपना गया हुआ आदमी वापस आ सकता है, सुबह का भूला भटका शाम को वापस आ सकता है, तो वो भी एक संभावना है। और उसका इंतज़ार करते करते बहुत सारी लेडीज बैठती है, और होता भी है कि ठीक है अभी संबंध खत्म हो गया, वो लेडी उसमें से निकल गई, वो लेडी की ट्रांसफ़र हो गई, या वो लेडी और कहीं चली गई, जो भी कुछ हो गया और अभी संबंध नहीं है और ये वापस आ गया, ऐसा भी होता है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा एज ए लेडी, ये मालूम होता है तो आपको अपने खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर काम करो, अपना मेंटल सेटअप जो है उसके ऊपर काम करो कि अपन ज़्यादा बहुत गर्म हो रहे क्या, बहुत ज़्यादा दिमाग गर्म हो रहा है क्या, बहुत गुस्सा कर रहे क्या, सेक्स में उसको कोऑपरेट कर रहे कि नहीं कर रहे, सेक्स में एक्साइटमेंट अच्छी हो रही कि नहीं हो रही, अच्छा परफॉर्मेंस है क्या, रोमांस लाइफ में है क्या, अपने में क्या कमी है कि वो थर्ड व्यक्ति की एंट्री यहाँ हो गई है, तो वो भी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा कि अपने में क्या मिसिंग है, और वो मिसिंग में ढूंढे है तो डेफिनेटली फायदा हो सकता है। क्या है कि जरूरत आपको है ऐसे केस में, जब लेडी बोलती कि नहीं मैं जा नहीं सकती, छोड़ नहीं सकती, बच्चे है, वो बाहर जाता है, वो और एक उसने मकान बना के रखा हुआ है और उसके साथ में संबंध है, भले शादी नहीं किया है, तो जरूरत किसकी होगी, ये लड़की की हो गई। अब ये लड़की की जरूरत है तो काम किसके ऊपर करना पड़ेगा, अपने ऊपर, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। चुप रहो, शांत रहो, रेजिस्ट मत करो, झगड़ा झंझट नहीं करने का है, यह भी दिन खत्म हो जाएंगे, दिस टू शैल पास, यह समझ के उसके ऊपर काम करते रहो, अपने ऊपर काम करते रहो और सब ठीक हो सकता है। आप यदि उसको रोकना टोकना ठोकना झगड़े करना बंद करेंगे तो डेफिनेटली अपना आदमी वापस आ सकता है। उल्टा भी होता है बहुत बार कि आदमी भी बोलता है कि ये नहीं, ये ज़्यादा सेक्सी है,
ज़्यादा सेक्स है और ज़्यादा सेक्स की वजह से मेरी पत्नी कहीं कहीं लोगों के पास में जाती है, उसको रोकना पड़ेगा, वो नासमझ है। और कुछ आदमी ऐसे रहते हैं बोलते कि नहीं इसका इलाज करो, ये हाइपर सेक्शुअल है, ये हाइपर सेक्शुअलिटी उसको है तो डेफिनेटली इसका इलाज करना होगा, करके भी हमारे पास में लाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। कभी कभी उनको निकलता है मैनिया, और मैनिक होती है तो उसमें फिर वो किसी के साथ में भी जाने की कोशिश करती है, किसी के साथ में जाने की कोशिश करके सेक्स भी करती है। और जो आदमी होशियार है, चालाक है, समझदार होते, नहीं इसको बीमारी है, उसको ठीक करना पड़ेगा, जैसे बीमारी तो उसको डेफिनेटली ठीक करो, और बीमारी नहीं है जानबूझ कर कर रहे हैं तो चॉइस आपका है। पावर लॉस करनी नहीं है, पावर लॉस न करते हुए डिसीजन खुद ने लेना बहुत जरूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।